किसी बच्चे के स्कूल बैग में 5 फीट लंबा कोबरा बैठा हो और आपको दिख जाए तो क्या हालत होगी। ऐसा ही एक मामला बच्चे के स्कूल बैग में छिपकर बैठा था 5 फीट लंबा कोबरा सांप। सर्प विशेषज्ञ ने सतर्कता से पकड़कर जंगल में छोड़ा। क्या हो अगर बच्चे के स्कूल बैग में निकल आए 5 फीट लंबा कोबरा, इस बात को सोचकर की आंखों के सामने दहशत आ जाती है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ग्राम भारत भारती आवासीय विद्यालय परिसर में संचालित गौशाला के प्रमुख फूलचंद बारस्कर के घर में हुआ। उनके घर में 5 फीट लंबा कोबरा घुस गया था। गुरुवार सुबह उन्हें दरवाजे के पास फन फैलाए कोबरा नजर आया। वे जैसे तैसे कमरे से बाहर निकले और सर्प विशेषज्ञ विशाल विश्वकर्मा को सूचना देकर बुलाया। सर्प विशेषज्ञ जब मौके पर पहुंचे तो सांप कमरे में टेबल पर रखे बच्चे के स्कूल बैग में जाकर बैठ गया था। घर के हर हिस्से में तलाश करने के बाद जब स्कूल बैग हिलता दिखाई दिया तो उसमें देखने पर कोबरा सांप हुंकार रहा था। सर्प विशेषज्ञ ने तत्काल ही बेहद सतर्कता के साथ स्कूल बैग को उठाया और मकान के बाहर खुले परिसर में लाया। जब उन्होंने बैग में से कोबरा को बाहर निकालने का प्रयास किया तो वह बेहद आक्रामक होने लगा था। विशाल ने उसे स्नेक स्टिक की मदद से बैग से बाहर निकाला और डिब्बे में बंद कर जंगल में छोड़ने के लिए ले गए। विशाल ने बताया कि बारिश थमने के बाद सांप भोजन की तलाश में घरों की ओर पहुंच जाते हैं, इसलिए वे सभी को सलाह देते हैं कि घर का बंद दरवाजा खोलते समय सावधानी रखे, आसपास देख ले, रात्रि में अंधेरे में बाहर निकलने से बचे या टॉर्च का उपयोग करे। सांप के छिपने की जगह जैसे अलमारी के नीचे, पलंग के पीछे, दीवार की दरारें आदि जगह विशेष निगरानी रखें। बैतूल जिला ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति की रिपोर्ट।